YouTube के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करें एक बेहतरीन शेयर जिसमें आप किसी भी गिरावट में निवेश कर सकते हैं, तो वो शेयर है आपका लक्ष्मी ऑर्गेनिक। काफी बेहतरीन शेयर है, न्यू लिस्टेड कंपनी है। अगर बात करें मार्केट कैप का, मात्र 14,000 करोड़ का है। और बात करें कंपनी के बिजनेस का, तो कंपनी देखिए इथाइल एसीटेट, एसिटिक एसिड, इस तरह से जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट से इसके वो बनाती है। अगर बात कर कंपनी का, तो कंपनी जो है 30% मार्केट शेयर रखता है यहाँ पर इथाइल एसीटेट में। डिटेटेन डेरिवेटिव्स में 55% का मार्केट शेयर रखता है। तो देखिए कितना स्ट्रॉन्ग ये कंपनी है। और कंपनी जो है काफ़ी बेहतरीन एसिटाइल इंटरमीडिएट्स और स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स बनाने में काफ़ी बेहतरीन ये कंपनी है। और बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट में भी ये कंपनी है। तो इस तरह से कंपनी का बिजनेस काफ़ी बेहतरीन है। अगर बात करें कंपनी के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से ज़्यादा है। डिविडेंड 0.09% काफ़ी कम है। प्रमोट सोलिंग 72.9%, कोई शेयर प्लेज नहीं है। डेट इक्विटी काफ़ी कम है 0.14 का, मतलब मात्र 141 करोड़ का डेट है, जबकि 982 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास। वहीं नेट प्रॉफिट जो 127 करोड़ का है, तो हर पैरामीटर से कंपनी काफ़ी सॉलिड है। और टॉप लाइन बॉटम लाइन ग्रोथ की बात करें तो सेल्स 1047 करोड़ का सेल्स था 2016 में, जहां से लगातार इंक्रीज हुआ है। और मार्च 21 में 1768 करोड़ का सेल्स हो चुका है, जबकि नेट प्रॉफिट जो है 27 करोड़ का था 2016 में, जो कि लगातार इंक्रीज हुआ। और 2021 में हो चुका 127 करोड़ का सेल्स। वहीं बैलेंस शीट की बात करें तो शेयर कैपिटल जो था मात्र 53 करोड़ का था। और रिजर्व जो है कंपनी का वो लगातार इंक्रीज हुआ है, 2016 में मात्र 225 करोड़ का था, जो कि लगातार इंक्रीज होते होते 982 करोड़ का यहाँ पर रिजर्व हो चुका कंपनी के पास। और वहीं बोर्डिंग की बात करें तो कंपनी का जो डेट है, मतलब जो बोर्डिंग है, लगातार डिक्रीज हुआ है। और यहाँ पर देखिए 2016 में 221, यहाँ पर 141 करोड़ का मार्क। और कैश फ्लो की बात करें तो कंपनी जो अपने बिजनेस एक्टिविटी से, जो अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, लगातार कैश फ्लो जनरेट किया है मात्र 2018 को छोड़ दे तो कंपनी अपने बिजनेस से कैश फ्लो भी जनरेट करने में सक्षम है। और कंपनी में प्रमोटर्स का स्टेक लगातार कॉन्स्टेंट बना हुआ है, जो 2021 मार्च में ही लिस्ट हुआ है कंपनी, तो 2020-21 के फाइनेंशियल में ही लिस्ट हुआ है कंपनी। और काफ़ी बेहतरीन कंपनी है। यहाँ पर FIIs का स्टेक लगातार घटता हुआ देखने मिला है, DIIs भी स्टेक घटाया, पब्लिक का स्टेक बढ़ा है। अब देखिए हम चार्ट पे बात करते हैं। ये तो कंपनी तो लिस्ट हो गई, IPO में जबरदस्त रिटर्न भी दिया, और IPO में जो लिस्ट हुआ, IPO के लिस्टिंग के बाद भी जिन्होंने बाय किया, मात्र 149 रुपीज का ये स्टॉक्स देखिए यहाँ पर हाई लगा चुका है, 625 रुपीज का। तो जिन्होंने भी IPO में नहीं मिला उसके बाद भी इस शेयर को लिया और होल्ड किया, तो उन्हें भी जबरदस्त रिटर्न मिला यहाँ पर। तो ऐसे ही बेहतरीन शेयर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अब बात करते हैं अभी इसमें क्या बन रहा है। तो चार्ट के अनुसार ये स्टॉक देखिए अभी ये इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। यहाँ पर अगर हम ट्रेंड लाइन को मिलाएं, मतलब जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन यहाँ पर बन रहा है, तो इस ट्रेंड लाइन को ये स्टॉक्स फॉलो कर रहा है। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो फिर ये 480 रुपीज तक आ सकता है ये स्टॉक्स। और वहीं अगर ये फिर से 630 रुपीज के ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो इसमें जबरदस्त हमें तेजी देखने मिलेगा। फिलहाल जो ये आज का दिन यहाँ पर जो वीडियो हम बना रहे हैं, उस दिन इसमें जबरदस्त यहाँ पर तेजी था, मतलब इस ट्रेंड लाइन के पास आता है स्टॉक्स, फिर से बाउंस बैक कर जाता है, आता है बाउंस बैक कर जाता है। तो जब तक मार्केट में कोई गिरावट ना हो, तब तक इस स्टॉक्स पे आपको काफी जबरदस्त तेजी देखने मिलेगा। तो ऐसे ही बेहतरीन स्टॉक्स के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही एजुकेशनल इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।